ज्ञान ध्यान किच कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिनकल राखी मेरी। आज उस जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी दे गुरुपर्व मना रहे हैं, जैसे सारे मिलके ते बाणी विच भी भेजे हुए हैं, तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। बाणी तुरों आई है। आज जो जरा प्रकरण कुछ दिन पहले आज असी सवेरे प्रभात फेरी के दौरान शुरू किया, तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। कड़ा प्रसाद के बारे जिक्र होया सी, कड़ा प्रसाद भी तुरों ही आया। आज वो प्रकरण लेना है। एक गुरु नानक देव जी दे समय तो कड़ा प्रसाद की जी मर्यादा है वो शुरू हुई सी। गुरु नानक देव जी बगदाद गए, ते बगदाद दे शहर तो दूर ही जनरली बैठे करते सीगे, जिथों कीर्तन करते सीगे। कलयुग में कीर्तन प्रधाना दी गल गुरु नानक देव जी ने ही शुरू कीती है। ते भाई गुरदास जी लिखते ने, फिर बाबा गया बगदाद नू, बाहर जाए किया स्थाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। बाबा जी बगदाद गए, बगदाद दे बार, बगदाद दे भी जनरली अरब कंट्रीज दे विच की होंदा सी, संगीत बजाना मना सी। ते गुरु नानक देव जी सवेरे उठे, राती आराम करके मर्दाने नू कहंदे आ, चल मर्दाना रबाब बजा, बांग दईए। बांग देना की होंदा कि उच्ची आवाज च सुरां च गाना, उन्हूं बांग देना कहंदे ने। ते गुरु नानक देव जी ने जो बोलिया उस टाइम, गुरदास जी लिखते ने, फिर बाबा गया बगदाद नू, बाहर जाए किया स्थाना। ते उस टाइम ते जो उत्थे ते जेड़े दस्तगीर सीगे, जेड़े पीर, जेड़े उच्चे पीर सीगे बगदाद दे, ओ सुन रहे सीगे, क्योंकि वह भी कितने ना कितने परमात्मा नाल उन्हां दा भी कनैक्शन सी। तो दूरों बैठे सुन रहे सी कि एक कौन बाबा जो उच्ची उच्ची आवाज ने भी संगीत विच गा रहा है, ते ते जिहड़ी साडी उल्लंघना हो रही है, जिहड़ा साडे इत्थे संगीत दा मनाही है, जिहड़ी संगीत दी संगीत वजा के आ गा के ये उल्लंघना हो रही है। ते अपने चेलियां नू बोलिया उन्होंने, जाके देखो कि यह कौन बाबा है, किहड़े घराने तो है, ते कित्थों आया, ये क्यों ये कौतक कर रहा है। उन्हें अपने चेलियां नू भेजिया उत्थे, वह गए उत्थे, गए जाके उन्होंने जो महाराज का रूप देखा संगीत गाते हुए, उस टाइम ते जाके वह मुग्ध हो गए महाराज का रूप देख के। वह देखते ने उन्होंने तो रब का रूप ही, गुरु नानक देव जी रब ही सीगे, उन्होंने रब का रूप दिखाया। वह जाके जब वापिस दस्तगीर कोल गए, उन्होंने की बोलिया, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। वो ते परमात्मा है जड़ा बैठा उत्थे, अज असी उस परमात्मा के दर्शन भी किते ने। ते वो जब उन्होंने जाके कहा, ते दस्तगीर जड़ा उन्हों का पीर सीगा, वो कहंदा नहीं, उन्होंने दो खुलीमियां कीतियां ने, पहली गलती की कीती है, संगीत बजाया, और जड़ा उन्होंने गुरु नानक देव जी ने बोलिया सीगा उत्ते, जो उन्हें सुन के आए सी, पाताला पाताल लख आकाशा आगास, ओड़क ओड़क पहाल थकी, वेद कहने एक बात, पाताला पाताल लख आकाशा आगास। दस्तगीर कहंदा साडा मोहम्मद ते सत आकाश और सत पतालां दी गल करके गए ने, इह ते तोहीन है। ते अपने चेलियां नूं उन्होंने कहा, नहीं वह रब का रूप नहीं है, तोहीन कर रहा है। पहली गल उन्हें उत्थे संगीत बजाया, दूजी गल लख आगासा और लख पतालां दी गल कर रहे ने, ये तोहीन है, साडे मोहम्मद दी तोहीन है। ते उन्होंने अगे दस्तगीर ने अपने चेलियां नूं बोलिया कि वट्टे रोड़े चुको, सारे असी उत्थे चलते हाँ, जे वह साडे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, उत्थे ही उन्होंने रोड़े वट्टे मार के फौत कर देंगे। फौत करने का मतलब है उत्थे उन्होंने मार के उत्थे दफन कर देंगे। सारे चेले तुर पे दस्तगीर के नाल, शहर के बाहर चले गए, और जदों
कुछ लोग जा रहे होंगे पेड़ चाल दे नाल, होर कई लोग नाल जुड़ते चले गए, सारे ने रोड़े वट्टे चके ते उत्थे जाके पाता ला पाता लाख आकाशा आकाश नहीं चल रही है, कौड़क कौड़क बाल तक वेद कहने की बात चल रहा है। फिर तस्वीर गुरु नानक देव साहब जी कहता है खामोश, ये तू की कर रहे हैं? गुरु नानक देव जी ने कहा दसो इतने मैं की गलती कर रहा? वो कह रहे हैं एक तो संगीत बजाना मना है, तू इतने संगीत बजा रहे हैं, दूसरा के साडे मोहम्मद जी कह के गए ने सत आकाश ने सत पाताल ने, तू लख आकाश और लख पाताल की गल कर रहे हैं जो कि गलत है। गुरु नानक देव साहब जी ने पहले उदे जड़ा क्वेश्चन का जड़ा जवाब देने की गल बड़ी हलीमी नाल गल की, निम्रता की जी असी पहले गल की सी, निम्रता असी गुरु नानक देव साहब जी को भी सीखनी है। ते हलीमी नाल बड़ा कहा कि दस्तगीर ये सारी कुदरत ही संगीत विच चल रही है, जे इस कुदरत तो संगीत कर दिता जाए कुदरत खत्म हो जाएगी। ये पेड़ पत्ते ये हवा सारी संगीत विच चल रही है, होर ते होर तेरे जड़ी नबज है नबज भी संगीत ही चल रही है, संगीत तो परे हो जाए तेरी नबज तू बीमार हो जाएगा, तेरे दिल की धड़कन भी संगीत विच चल रही है, आज संगीत दे विच नहीं चलेगी ते तू बीमार हो जाएगा, हो सकता है इस दुनिया विच भी ना रहे। उन्हें समझ आ गई, वो बोलन लायक नहीं रहा, उसके पहले क्वेश्चन का जवाब बड़े तरीके नाल हलीमी नाल गुरु नानक देव साहब जी ने देता, वो उस तो बाद कुछ नहीं बोले। अच्छा चल ठीक है गुरु नानक, तुसी आज बोल रहे हो कि हां पेड़ पत्ते और सब सब संगीत दे चल रहे हैं ठीक है, पर तू जिहड़ी खुलीमी कीती है और जड़े साडे मोहम्मद साहब जी दे विपरीत बोले है कि पाताल पाताल लख आकाशा आकाश, इहदे बारे तेरा की कहना है? गुरु नानक देव साहब जी ने बोलिया जेड़े मोहम्मद साहब जी बोल के गए ने बिल्कुल ठीक कह रहे ने। सारे जिन्हें भी सेवक सीगे उन्होंने रोड़े वट्टे सटते कि ये तो हुण साडी ही गल कर रहे ने, ये बदल गए ने, बड़े खुश हो गए सारे। नाल ही गुरु नानक देव साहब जी ने बोलिया कि जो मैं कह रहा वह भी सच है। ते फिर दस्तगीर बहुत गुस्से च आ गया, उन्हें यह चीज बोली कि जे नानक जी तुसी ये चीज बोलते हो कि लख आकाशा आकाश लख पाताल पाताल, तेनू तुसी किस तरह इनू प्रूव करोगे कि यह चीज है? गुरु नानक देव साहब जी ने कहा अच्छा चल ठीक है, तेरे चेलिया दे विचों जो तुहानू सब तो चंगा लगता है जो तुहानू लगता है सब तो सियाणा उन्हें मेरे सामने बिठा दो, उन्हें मैं दिखा देना। ते फिर दस्तगीर ने की किया कि सारे चेलिया वाल नजर दौड़ाई, जनरली की होता है जो ये आज गुरु बने हुए ने अगर देखा जाए तो वह की करते ने, एक साडा गुरु घर ही है जिथे अपने बेटिया तो सेवकों नूं ज्यादा तरजीह दी गई है उन्होंने गुरु बनाया गया, पर दस्तगीर ने नूं सब तो चंगा और सब तो ज्यादा गुणवान उन्होंने अपना बेटा ही नजर आया, उन्हें कहा मेरे बेटे नूं लख आकाश और लख पाताल दिखा दो। गुरु नानक देव साहब जी ने बोलिया चलो इन्हू मेरे सामने बिठाओ, दस्तगीर ने अपने बेटे नूं सामने बिठाया। गुरु साहब जी ने अज असी सारी संगत असी उस ब्रह्मंड वाल सुरत लैके चलते हैं, चलो जो ओ दस्तगीर दे बेटे दी सुरत गुरु महाराज पाताल पाताल लख आकाशा आकाश लल लैके गए, गुरु साहब जी ने सामने उस दस्तगीर दे बेटे नूं बिठाया, नाल ही कहा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग। ते दस्तगीर दे बेटे दी सुरत उन्हें उदी जड़ी शरीर उत्थे बैठा सी पर उदी सुरत और उदी आत्मा पाताल पाताल लख आकाशा आकाश वल चली गई, उन्हें सारे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया और उन्हें यह चीज दिख गई कि हां लख आकाश और लख पाताल है। फिर गुरु नानक देव साहब जी ने कहा कि अज की डेट ठीक है असं अब अपने बच्चों वाल बच्चों के उत्ते भरोसा करते हैं और दस्तगीर ने भी अपने बच्चे उत्ते भरोसा किया, पर एक कलयुग है कलयुग के विच अज ऐसे अगर देखिए तो अज जो अज कलयुग के मापे ने वह भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या कुछ अलग रख लेंगे ने बच्चों तो परे। वही चीज दस्तगीर ने गुरु नानक देव जी ने कहा कि
ਉਹ ਉਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ, ਧੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਧੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਦਸਗੀਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, ਧੁਰੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਇਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਿਆ ਦਸਗੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਵਰਤਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਕੀ ਜਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਫਿਰ ਜਦ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਸਦ ਮੰਗਾਈ ਸਾਰੀ ਤੇ ਰਸਦ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਬਲਵਰਧਕ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।